ये पड़ता है आपका सियाचिन बॉर्डर वाले एरिया पे, और आर्मी के कैंप वगैरह पहले थे। अब ये पता नहीं बंकर्स हैं या फिर छत में भी इनके पत्थर वगैरह लगे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी चार गांव पीछे ढकेला। आ गए हैं आपके इंडिया के आखिरी गांव पे, पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक सामने, वो है आपका पाकिस्तान। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की सुबह हमारी हो रही है नुब्रा से, और नुब्रा में हम लोग डिस्किट जगह पे हैं, और बहुत प्यारी जगह है, और कुछ इस तरीके का नज़ारे हैं हमारे टेंट के बाहर। एक दो टेंट वहाँ लगे थे, दो तीन टेंट वहाँ लगे थे, और कुछ कार वगैरह भी है। तो और आपको ना यहाँ के ड्रोन शॉट देखने हैं, तो 1 2 3 गो। कैसा लगा आपको ड्रोन शॉट? बहुत प्यारी लोकेशन थी, और रोड से बस थोड़ी ही दूर थी, ज़्यादा मैंने हाइट में उड़ाया नहीं, क्योंकि ना ज़्यादा हाइट में उड़ाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता, क्योंकि क्या पता कहाँ पर आर्मी एरिया है तो रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। इसलिए मैं सोचा कि डाउन डाउन में उड़ाऊंगा, जितना सिनेमेटिक शॉट ले सकते हैं ना उतना लेके उड़ा देंगे। अभी अपना टेंट वगैरह खोलते हैं, और फिर उसके बाद अपना निकलने की तैयारी करते हैं, और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह सब यहीं बनाएंगे या क्या करेंगे, आगे खाएंगे? हुंडरे बनाएंगे। तो अभी ना यहाँ से हम अपना पैक करते हैं सामान, पहले फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, उसके बाद फिर टेंट निकाल के चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ हमारा सामान वगैरह सब पैक हो गया है, रोहित अपना पैक कर रहा है, और बिक्की अपना वीडियो अभी एडिट कर रहा है, तो उसको हमने छोड़ दिया है फ्री, थोड़ा काम कर बाद में काम करेगा। और यहाँ से ना अभी हम अपना सामान पैक करते हैं, चलते हैं आगे को। तो भाई हम रेडी हो गए, और अब टाइम हो गया इस जगह को खाली करने का, और यहाँ से अगली लोकेशन में जाने का टाइम हो गया। तो भाई हमारा रेडी हो रहा है, वो भी रेडी होकर अपना ब्लॉग तैयार कर रहा है, तो अब यहाँ से चलते हैं आगे और नई लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी एक लोकेशन है, तो वहाँ हम अपना खाना मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर आगे निकलेंगे। तो यहाँ ना खाने के लिए ज़्यादा कुछ ऐसे ही समोसे कचौड़ी वगैरह थी, तो हमने छोले और समोसे करवा लिए और चाय करवा ली। अब खाते हैं उसके चलते हैं आगे को। ना हमने समोसे कचौड़ी जलेबी और चाय वगैरह ले ली, और सब पेट इतना फुल हो गया ना बढ़िया करके, अब उठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से तो आगे बढ़ना है। तो अभी ना हम एक गांव में रुके हुए हैं, और ये गांव से अभी ना एक दुकान दिखी थी हमको, तो हमने सोचा कि यहाँ से ना थोड़ा टॉफी वगैरह ले लें, क्योंकि रास्ते में ना यारे रास्ते हमको बहुत सारे बच्चे दिख जाते हैं, तो उनके लिए टॉफी वगैरह लेके फिर उनको देंगे, ताकि उनको भी ना वो क्या करते हैं, जैसे हम राइडर्स आते हैं ना, तो उनको देख के वो खुश हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि वो कोई आया है तो कुछ ना कुछ लेके आया होगा वाला हिसाब होता है ना, तो वही सोचते हैं बच्चे कि राइडर्स कुछ ना कुछ दे जाते हैं, टॉफी चॉकलेट, तो हम सोचते हैं यहाँ से चॉकलेट टॉफी वगैरह ले जाएँ और उन बच्चों को दें। तो ये दुकान है, और यहाँ की ना मतलब लद्दाख और गांव इंटीरियर की दुकान ऐसी होती है जैसे हमारे वहाँ होती है, उस टाइप में आपको दुकान वगैरह दिख जाएंगी। कोक भी है? कोक है, इसी छोटा वाला है, ये कितने थोड़ी फाइव करती है, कोई बात नहीं, कोक दे दीजिए, एक छोटा वाला कोक दे दो। और टॉफी ले ली ना, तो ये ले लिया हमने, तीन पाउच बना लिए, एक दो तीन। एक डबल ले लिया पूरा हमने, तीन डिवाइड कर लिया उसको अलग अलग। ठीक, तो अभी ना हम अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक हमको एक इस टाइप का लोकेशन दिखी। तो आपने शायद बॉर्डर फिल्म देखी है, और कई मिलिट्री फिल्म देखी होंगी जिसमें सोल्जर्स इस तरीके के घर में रहते हैं, और ये ना आपको एक टाइप से बंकर टाइप घर है, बंकर देखते हैं उस टाइप के इनका लुक है, ऊपर छत में भी इनके पत्थर वगैरह लगे हुए हैं,
और पूरा घर पत्थर का है, यानी जैसे बुलेट प्रूफ घर होगा उस तरीके से इसका लुक है। अरे आर्मी के भी हो सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है आर्मी का होगा, क्योंकि ऐसे अगर आर्मी का होता तो यहाँ कोई ना कोई रहता। चलते फिर आगे, इस टाइप का एक लुक था तो हम ज़्यादा दिखाते हैं कि रास्ते में क्या क्या दिखता है अलग अलग सा। ये थोड़ा अलग सा था तो हमने रुक गए, अब चलते हैं आगे को। एक्चुअली जो लोकेशन में हम रुके हुए ना, ये बंकर वाला, ये पड़ता है आपका सियाचिन बॉर्डर वाले एरिया पे। इसलिए हमने सोचा कि क्या होता बंकर वगैरह तो नहीं है, लेकिन बंकर होते तो आर्मी के कुछ साइंस होते हैं तो वो देख के पता चल जाता है कि आर्मी एरिया करके, और आर्मी के कैंप वगैरह पहले थे उस टाइप का साइंस से पता चल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शायद ये किसी चरवाहों का होगा, पाकिस्तान का बॉर्डर भी पड़ता है, तो हमने आज शायद पाकिस्तान बॉर्डर जाने वाले हैं। तो चैनल पर बने रही हो, कौन सा गांव है पाकिस्तान का जहां हम आज जाने वाले हैं, उसके लिए आपको ये चैनल पर बने रहना होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कौन से पाकिस्तान के गांव आज हम जाने वाले हैं। तो चलते हैं पाकिस्तान बॉर्डर के उस गांव में जहां हमने आज जाना है। थोड़े दूर है, लगभग लगभग 40 किलोमीटर के आसपास का रास्ता ये बचा हुआ है, जल्दी से पार करके वहां पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं वहां के कुछ। वाह बाप रे, इतना भयंकर रास्ता हो रखा है। वीक ब्रिज, वन व्हीकल एट अ टाइम, नथरू ब्रिज। तो यहाँ ना एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है, और मेरे को तो इतना डर लग रहा है ना, उन्होंने बोला कि एक बार में एक गाड़ी। तो अरे लकड़ी का पुल है ये, इतना डरावना ब्रिज है, जो नीचे नदी बह रही है ना वो और खतरनाक है। तो सच में बहुत डरावनी आवाज़ थी इस ब्रिज की। मैं तो सोचा जितनी जल्दी पार हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि डर बहुत लग रहा था। और ये बगल में हमारे कोस नदी बह रही है, और ये बगल में आ गई अब। और देखो ये इसका पानी इतने ऊपर तक आता है ना, ये देखो पूरा रेता ऊपर तक आ गया। तो सोचो इसका जब रास्ता कितना खतरनाक हो जाता होगा जब बरसात में पानी आता होता होगा। तो आपको मैं इस गाँव के बारे में बता दूँ जहाँ हम जाने वाले ना, वो गाँव के हिस्ट्री से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। सामने आप एक पुल देख रहे होंगे, बहुत बड़ा सा पुल है। तो ये पुल ना किसी ज़माने में पाकिस्तान के अंदर हुआ करता था, और जब कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो जो हमारे सियाचिन मेमोरियल है वहाँ तक हमारी इंडियन आर्मी रहती थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान आर्मी इस पुल तक आ गई थी, और उसके बाद इंडियन आर्मी ने कम से कम पाकिस्तान आर्मी को 3 या 4 गांव पीछे ढकेला यहाँ से। और यहाँ तक पहले पाकिस्तान आर्मी पूरी आ चुकी थी। आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो, और आपको अपने कुमाऊं की कोई चीज़ दिख जाए तो आपको कितनी खुशी होगी? थोड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा। देखना चाहोगे? मैं हूँ अभी पाकिस्तान बॉर्डर के पास, और ये 20 कुमाऊं का सत्यम सुंदरम 20 कुमाऊं। भाई कुमाऊं देख के ना मैं गाड़ी मुड़ा के वापिस आया, देखी कि अपना पाकिस्तान बॉर्डर पर अपना कुमाऊं का नाम है, भले आर्मी का लेकिन है तो अपना, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है बाबा। तो चलते हैं आगे को। तो हम पहुंच गए तुरतुक, और तुरतुक ना किसी ज़माने में पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, और अब ये इंडिया का पार्ट है। तो तुरतुक ना किसी ज़माने पे इंडिया का लास्ट गांव हुआ करता था, और इसके बाद फिर त्याक्सी जो था ना, त्याक्सी इंडिया का लास्ट गांव हुआ, और बॉर्डर पे आ गया वो, और पहले वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब त्याक्सी है आपका इंडिया का पार्ट। सामने बोर्ड जो लिखा है ना वो है वेलकम टू बॉर्डर विलेज त्याक्सी चतांग। तो ये ना आपका इंडिया का आखिरी बॉर्डर है, मतलब आखिरी गांव है। तो आज हम पहुंच गए हैं त्याक्सी गांव।
चलते हैं आगे को। तो भैया हम आ गए हैं आपके इंडिया के आखिरी गांव पे, पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक सामने। और यही था आज का हमारा दिन जहां मैं पहुंचना था, अच्छी सी लोकेशन। थैंक यू खुमानी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उठा लेना। तो हम ना पहुंच गए हैं आपका त्याक्सी गांव, और त्याक्सी गांव यहां से थोड़ा सा ऊपर है, और हमारे सामने वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको बड़ा सा, वो है आपका पाकिस्तान। तो ये भैया लोग ना हमको नुब्रा में मिले थे, और नुब्रा से ये लोग इधर को आए हैं। तमिलनाडु का ग्रुप है भाई जो इधर को आया था, और ये भी त्याक्सी ही रुकेंगे, तो एक सपोर्ट हो गया साथ में रुकने का। तो ऊपर जाते हैं और ऊपर कुछ बनाते हैं, कंटेंट वगैरह निकालते हैं।